नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सकुशल होंगे। मैं सरिता मेनन आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बताइए बच्चों, आप सब हिंदी में अभी क्या सीख रहे हैं? बिल्कुल सही, आप सब अभी हिंदी में सीख रहे हैं स्वर। और कोई बता सकता है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल 13 मतलब 13 स्वर होते हैं। तो एक बार हम सारे स्वर को देख लेते हैं। तो बच्चों, ये है स्वर अ से अह, अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ अंग अह। तो बच्चों, आपने अब तक कौन कौन से स्वर सीखे हैं? तो बच्चों, अब तक आपने सीखा स्वर अ आ इ ई उ ऊ रि और ए। तो चलिए बच्चों, अब हम इन्हीं स्वरों को कुछ चित्रों के माध्यम से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्वर अ, अ से अनार, अ से अदरक, अ से अमरूद। स्वर आ, आ से आम, आ से आग, आ से आलू। स्वर ई, ई से इमली, ई से इमरती, ई से इत्र। स्वर ई, ई से ईख, ई से ईट, ई से ईद। स्वर उ, उ से उल्लू, उ से उपहार, उ से उजाला। स्वर ऊ, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंचा। स्वर रि, रि से ऋषि, रि से ऋतु। स्वर ए, ए से एडी, ए से एकता, ए से एक। तो स्वर ए के बाद आज हम सीखेंगे स्वर ए, स्वर ए। तो चलिए बच्चों, स्वर ए से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में हम सीखते हैं। स्वर ए, ए से ऐरावत, ऐरावत भगवान इंद्र के वाहन को कहा जाता है। ए से ऐनक, ऐनक हम आँखों पे पहनते हैं ताकि हर चीज स्पष्ट दिखाई दे। ए से एम्बुलेंस, बीमार और घायल लोगों को अस्पताल
एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। तो अब तक बच्चों आपने सीखा स्वर ए को पहचानना, बोलना और उससे शुरू होने वाले कुछ शब्द भी देखे। अब हम स्वर ए को लिखना सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं स्वर ए को किस तरीके से लिखा जाता है। उसके लिए यहाँ एक स्लेट लिया है और हम करेंगे वाटर राइटिंग। उसके लिए मैंने अपने फिंगर टिप को पानी में डिप किया है और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लांट लाइन। अब थोड़ी सी जगह छोड़ के बनाएंगे एक और स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा स्लांट लाइन। ऊपर बनाएंगे शीरो रेखा। अब ऊपर हम बनाएंगे मात्रा, सर्कल बना के स्लांट लाइन सेकेंड स्टैंडिंग लाइन के ऊपर। ये बन गया हमारा ए। अब चलिए हम सीखते हैं स्वर ए को हिंदी की फाइन लाइन नोटबुक में कैसे लिखते हैं। तो आज की डेट है बच्चों 3/31/7/2020। दैट मीन्स 31 जुलाई 2020। और आज हम लिखेंगे स्वर ए। तो चलिए बच्चों, अब हम लिखना सीखते हैं स्वर ए। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में 5 लाइन्स होती हैं, 2 रेड लाइन एंड 3 ब्लू लाइन्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन स्लैंट लाइन। थोड़ी सी जगह छोड़ के फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा स्लैंट लाइन। फिर ऊपर से हम बनाएंगे शीरो रेखा। अब शीरो रेखा के ऊपर हम बनाएंगे ए की मात्रा। उसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा आगे से एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, स्लैंट लाइन बना के हम टच करेंगे सेकेंड स्टैंडिंग लाइन को। अगेन देखिए बच्चों कैसे लिखना है। फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन स्लैंट लाइन। थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा स्लैंट लाइन। ऊपर बनाएंगे शीरो रेखा और छोटा सा सर्कल बना के स्लैंट लाइन बना के हम सेकेंड स्टैंडिंग लाइन के ऊपर टच करवाएंगे। अगेन स्टैंडिंग लाइन स्लैंट लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा स्लैंट लाइन, शीरो रेखा, सर्कल बना के सेकेंड स्टैंडिंग लाइन को टच करवाएंगे। फिर से देखिए बच्चों, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन स्लैंट लाइन। थोड़ी सी जगह छोड़ के अगेन स्टैंडिंग लाइन स्लैंट लाइन शीरो रेखा। अब हम ऊपर फर्स्ट रेड लाइन से एक छोटा सा सर्कल बना के सेकेंड स्टैंडिंग लाइन तक उसको ज्वाइन कर देंगे। अगेन स्टैंडिंग लाइन स्लैंट लाइन स्टैंडिंग लाइन छोटा सा स्लैंट लाइन शीरो रेखा, छोटा सा सर्कल बना के पर टच करवा देंगे सेकेंड स्टैंडिंग लाइन के ऊपर। इसे हम कहते हैं मात्रा। अगेन स्टैंडिंग लाइन स्लैंट लाइन स्टैंडिंग लाइन छोटा सा स्लैंट लाइन शीरो रेखा,
ऊपर, मात्रा। तो बच्चों इस तरह से आपको स्वर ए फर्स्ट और थर्ड कॉलम में पूरा लिखना है। तो चलिए बच्चों अब हम ड्रॉ करते हैं स्वर ए से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ए से ऐनक। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल और थोड़ी सी जगह छोड़ के एक और सर्कल। इन दोनों सर्कल को हम जॉइन करेंगे एक स्लिपिंग लाइन से। अब यहाँ से एक स्लैंट लाइन और एक कर्व। फर्स्ट वाले सर्कल से भी हम बनाएंगे एक स्लैंट लाइन और एक कर्व। क्या बना बच्चों, ऐसे ऐनक। आशा करती हूँ आपने इस सेशन में स्वर ए को पहचानना और लिखना सीख लिया होगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।